हेलो फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का अध्ययन करेंगे। और परमाणु संरचना में अपन सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे कि परमाणु क्या होता है, इसकी खोज करने के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए, और अपन इस परमाणु को किस प्रकार से प्रकृति में देख पाते हैं, यानी पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु की संरचना का ज्ञान अपने को आना चाहिए। तो परमाणु क्या होता है, इसे अपन सबसे पहले देखेंगे। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अलग अलग प्रकार से मतलब अपने सिद्धांत दिए, मत दिए जिनको अपन बोलते हैं। तो परमाणु संरचना को समझने के लिए सबसे पहले 5वीं शताब्दी से पूर्व एक भारतीय दार्शनिक हुए हैं महर्षि कणाद करके, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि कोई भी पदार्थ है उसको हम जितना तोड़ेंगे वो हमें छोटे छोटे कणों में मिलता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी यानी एक ऐसी स्थिति आएगी कि उन्हें और तोड़ना संभव नहीं होगा, और इन कणों को अपन परमाणु कहते हैं। मतलब पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उनका कहने का मतलब ये था कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद 460 BC में डेमोक्रिट्स ने सर्वप्रथम परमाणु अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने भी यही बताया कि यदि हम पदार्थ को तोड़ते जाएं तो हमें और छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उन्हें और तोड़ना संभव नहीं होगा, और इन कणों को इन्होंने परमाणु नाम दिया। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनका अपन धीरे धीरे एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आए जॉन डाल्टन ने सबसे पहले सन 1808 ईस्वी में ये बताया कि तत्व जो है वो अत्यधिक छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन परमाणु कहते हैं। अर्थात इनका जो एक बिंदु आया इसको अपन समझते हैं अविभाज्य कण। कैसे कण? अविभाज्य मतलब जिसे अपन और विभाजित नहीं कर सकते। किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, और यौगिकों में एक से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं। किसी अभिक्रिया में परमाणु न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। तो इनके जो बिंदु थे वो क्या थे? तत्व अत्यधिक छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन परमाणु कहते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। यौगिकों में एक से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं। किसी अभिक्रिया में परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। इसके बाद में परमाणु का इतिहास जानने के लिए आगे एक और वैज्ञानिक आते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं जे थॉमसन भी अपन उनको कहते हैं। उनका पूरा नाम है जोसफ जोहान थॉमसन, 1898। इन्होंने ये बताया कि परमाणु में ऐसे कण होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। परमाणु में कैसे कण बताए इन्होंने? ऋणावेशित कण, जिन्हें अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कैसे चार्ज के होते हैं, मतलब उनके ऊपर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश। और इन कणों को इन्होंने जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। और इसके बाद परमाणु के इतिहास में आगे वाली कड़ी के अंदर एक वैज्ञानिक आते हैं, यही वैज्ञानिक थॉमसन, जिन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसे अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल में थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु को एक कैसा गोला मान लिया? धनावेशित गोला मान लिया। ये जो आप देख रहे हैं धनावेशित गोला, इस धनावेशित गोले में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये जो छिद्र से दिख रहे हैं, मतलब इनको अपन मैं बोल देता हूँ, इसकी आकृति सेम वैसी है जैसी तरबूज के अंदर क्या पाए जाते हैं, तरबूज में बीज पाए जाते हैं, सेम इसी प्रकार की आकृति इनकी होती है। इसमें क्या पाया कि परमाणु को एक धनावेशित गोला माना इन्होंने, जिसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुडिंग में उपस्थित किशमिश की तरह माने जा सकते हैं। अपन इन इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भी मान सकते हैं जैसे तरबूज में क्या होते हैं? बीज पाए जाते हैं। इस तरीके से जैसे अपन ये स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ा सा बना दूं मैं, इसके अंदर ये तरबूज क्या करती है, इसके अंदर इस प्रकार से ये बीज जो है बीच बीच में पड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने सुझाव दिया था इसके बारे में कि इस प्रकार से एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं 1910 में एक वैज्ञानिक हुए हैं
जिन्हें अपन जानते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम से। और इस इन्होंने क्या किया था, इस रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था जिसके आधार पे, मतलब इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र के अंदर क्या उपस्थित होती है, नाभिक उपस्थित होती है, और उसके बाहर चारों तरफ कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अपना जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग इन्होंने किया था कि एक सोने की पतली सी पन्नी का ली, पतली सी पन्नी का मतलब वो इतनी पतली थी, उसका जैसे मोटाई के अंदर उसका आकार देखें तो कितना था, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी वो। उसके मतलब उस सोने की पतली पन्नी का के ऊपर इन्होंने एक रेडियोधर्मी स्रोत के द्वारा अल्फा कण प्राप्त किए, और इन अल्फा कणों को इन्होंने कहाँ डाला, उस सोने की पतली पन्नी का पर डाला। और पन्नी का के ऊपर डालने के बाद में ये अल्फा कणों के टकराने से ये कण क्या हो गए, प्रकीर्णित हो गए, और प्रकीर्णित होने के पश्चात इन्हें अपन ने जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन पर आयनित कराया, और आयनित कराने की स्क्रीन पर टकराने से प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई जो इन कणों को क्या हुआ, पहचानने में सहायक होती थी। अब इन रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि लगभग 20,000 के आसपास, अपन ज्यादातर यही पढ़ते हैं कि 20,000 के आसपास जो कण थे, उन कणों की बौछार उन्होंने इस सोने की पतली पन्नी का पर कराया, और कराने के बाद में उन्होंने क्या पाया कि अधिकांश जो कण थे वो क्या थे, वो सीधे निकल गए। और सीधे निकलने के बाद यहां पर देखिएगा, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं, इधर मैंने लिखा है गोल्ड फॉइल, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पतली सी पन्नी का है, इधर इस पतली सी पन्नी का के ऊपर इन्होंने क्या किया था, इस पतली सी पन्नी का के ऊपर अल्फा कणों का प्रहार कराया, अल्फा कणों का ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इसमें से अल्फा कण गुजर रहे हैं। तो यहां आप देखें कि बहुत सारे कण जो थे, वो बहुत सारे कण तो क्या निकल गए, सीधे निकल गए। यहां आप देखेंगे बहुत सारे कण सीधे निकल गए, और कुछ कण जो थे, मतलब कुछ कण क्या हुए, पन्नी का से टकरा करके वापस आए, यहां आप देखेंगे वापस आए। इसके बाद में एक कण इधर भी आप देख पा रहे हैं, वापस आया, ये कण भी वापस आया। तो यहां ये निष्कर्ष निकलता है, इधर देखिएगा दाईं तरफ, यहां ये निष्कर्ष निकलता है कि सोने की पतली पन्नी का के इस केंद्र में, जहां आप ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, इसके केंद्र में क्या पाई जाती है, नाभिक पाई जाती है, यानी कुछ ऐसा पार्ट पाया जाएगा जिसके ऊपर कैसा आवेश है, पॉजिटिव मतलब धन आवेश है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ कण जो है वो सीधे निकल रहे हैं, तो यहां आप देख पा रहे हैं ये कण जो है, इधर ये जो कण है वो कैसे निकल रहे हैं, वो सीधे निकल रहे हैं। इसके बाद में ये जो कण है वो भी सीधे निकल रहे हैं, यहां भी कण सीधे निकल रहे हैं। लेकिन यहां देखिएगा, ये जो कण है वो टकराने के पश्चात, इस बिंदु से टकराने के पश्चात, यानी वापस अपनी मूल दिशा में ये लौट जाता है। तो यहां मतलब कुछ ऐसा पार्ट है जो धनावेशित पार्ट है। तो रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग के अंदर क्या प्रयोग किया, मतलब ये प्रयोग किया कि उस सोने की पतली पन्नी का के केंद्र में कुछ ऐसा भाग पाया जाता है जो धनावेशित कणों के लगभग समान होता है, और अपन क्या पढ़ते हैं कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहां पर ये अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे गुजर गए, और सीधे गुजर गए, बहुत कम विचलित हुए, परंतु कुछ अल्फा कण बहुत अधिक कोण से विचलित हुए, और कुछ तो बिल्कुल वापिस मुड़ गए, और जो वापिस मुड़ गए उन्होंने इनसे, उन कणों से इन्होंने क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकाला तो निष्कर्ष तक अपन क्या पहुंचते हैं, निष्कर्ष क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला मतलब रिक्त है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्या है, सीधे निकल गए। इसके बाद में अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब इनके बीच सेंटर में क्या होगा कि धनावेशित मतलब पार्ट होगा। कुछ अल्फा कण धनावेशित कण जो है वो विक्षेपित होते हैं, यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। निकालने के बाद में परमाणु का धनावेश तथा अधिक द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस मतलब नाभिक कहा, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष या कक्षा अपन कहते हैं। अतः इनका परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता इनका परमाणु मॉडल है। तो यहां रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और सारा आवेश परमाणु के केंद्र में बहुत छोटे से स्थान में उपस्थित होता है, जिसे अपन नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में गति करते रहते हैं, जिन्हें अपन कक्षा या कक्ष कहते हैं। ये सिद्धांत दिया था वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है नील्स बोर,
जो अपन पढ़ते हैं, नील्स बोर ने 1913 में एक ऐसा मॉडल दिया था जो रदरफोर्ड के मॉडल का बिल्कुल संशोधन मॉडल था। इन्होंने क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ में गति करता है। मतलब यू नहीं है कि कहीं पर भी वो गति करे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ में गति करता है। इस पथ को उन्होंने क्या नाम दिया, ऊर्जा स्तरीय कक्षा कहा। जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहता है, मतलब जिस कक्षा में वो चक्कर लगाता है, कक्षीय कक्षा में, तो वह न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और न ही उत्सर्जन करेगा। तो कुछ इस तरीके से, उस तरह से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहां अपन देख पा रहे हैं, जैसे ये मैं यहां पर बना देता हूं, नाभिक का पार्ट बना देता हूं एक छोटा सा, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से। तो आगे देखिएगा, इसके बाद में 1932 में जेम्स सैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स सैडविक ने तीसरे अपरमाणु कण, मतलब कक्षा के बाहरों चारों तरफ चक्कर लगा, कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। परमाणु की नाभिक के अंदर क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन, और उस प्रोटॉन के साथ में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन, जिसकी खोज 1932 में जेम्स सैडविक ने तीसरे अपरमाणु कण की उपस्थिति ज्ञात करी, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का भार परमाणु से थोड़ा सा अधिक होता है, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत उदासीन होने के कारण इसे क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया, मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने हीलियम का परमाणु लिया है, और हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, जिसे अपन लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी 1s2, ये काट देता हूं मैं, इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं 1s2। इसके बाद में हीलियम के आप देख पा रहे हैं इसकी नाभिक में, मतलब यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, 2n लिखे हैं मैंने, यानी यहां न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, और न्यूट्रॉन के साथ में 2 प्रोटॉन भी यहां पर पाए जा रहे हैं, और इसकी कक्षा में क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इनके चक्कर लगाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और किस में चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां पर जो परमाणु संरचना के आधार पर अपन निकालते हैं इन तीनों कणों को, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर आवेश, धनावेश किसके ऊपर पाया जाता है, प्रोटॉन पर, जिसका द्रव्यमान कितना मानते हैं अपन 1, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग कितना मानते हैं अपन 1, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश, और इसका द्रव्यमान नगण्य यानी नील होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। कण जो आप देख पा रहे हैं इधर, कण क्या है अपना, कण है ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद में अपना आ जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद में अपना आ जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद में इसके ऊपर आवेश जो है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप आवेश देख पा रहे हैं, माइनस में होता है 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और न्यूट्रॉन के ऊपर आता है 0, कोई आवेश नहीं होता, और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसका जस्ट उल्टा, मतलब प्लस में पाया जाएगा, प्लस का 1.6022 × 10⁻¹⁹ और लगभग द्रव्यमान कितना है 0, जिसको अपने लगभग माना, द्रव्यमान तो आप यहां देख पा रहे हैं इधर, द्रव्यमान कितना लिखा मैंने 9.10⁻¹⁹ kg, और यहां आप देख पा रहे हैं 1.6749 × 10⁻²⁷, और नीचे 1.6726 × 10⁻²⁷ kg। ये किसका है, प्रोटॉन का, और ये किसका है, न्यूट्रॉन का, और ये वाला किसका है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस तरह से इनके द्रव्यमान अपन निकालते हैं। तो हीलियम परमाणु की जो संरचना है, हीलियम के अंदर मैंने अभी बताया था 2 क्या पाए जाते हैं इसमें, इसका परमाणु क्रमांक 2, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 2, किसी भी उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक, और नीचे आप देख पा रहे हैं 4, 4 क्या है इसकी, द्रव्यमान संख्या, ये जो है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या, और उसके बाद में ये 2 है ये अपना क्या है, ये है इसका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक, उसके बाद में परमाणु क्रमांक किसे बोलते हैं, मैंने अभी बताया परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में, अभी अपन ने देखा परमाणु के केंद्र में नाभिक होती है, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। और किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर उतने ही क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, मतलब उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन,
ठीक है। इसके बाद आगे देखें, कोश जो होते हैं वो वर्ताकार पथों के अनुरूप होते हैं। प्रत्येक कोश की एक निश्चित ऊर्जा होती है। किसी कोश में उपस्थित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² द्वारा दी जाती है। किससे निकालते हैं? 2n² से, 2n² से। अब यहां पर देखिएगा, प्रथम कोश जो है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय जो कोश है, द्वितीय कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में तृतीय जो कोश है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्रम चलता रहेगा। अपन निकालते हैं 2, 8, 8, 18, 18, इस प्रकार से अपन लिखते हैं 2, 8, 18, 32, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसके बाद में आगे देखिएगा, तत्वों की परमाणु संरचना को अपन किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उसके प्रदर्शित करने के लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरी विधि है बिंदु संरचना। इन दोनों के आधार पर अपन परमाणु की संरचना बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? नाइट्रोजन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p3। ये अपन देख पा रहे हैं। तो यहां से कितना लिखा मैंने, इसका हो जाएगा ये पहले कक्षा में कितने? 2। उसके बाद में दूसरे में कितने? 5। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। मतलब यहां पर आप देख पा रहे हैं 7 क्या है इसमें? प्रोटॉन। और 7 ही क्या है इसमें? न्यूट्रॉन। मतलब टोटल कितने हो गए अपने पास में? ये 14 क्या आ गई इसकी द्रव्यमान संख्या। तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने ऊपर बताया 2 और 5। प्रथम कोश में कितने हैं? 2। मतलब नाइट्रोजन के प्रथम कोश में 2 और द्वितीय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। दोनों यदि अपन जोड़ते हैं तो दोनों यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे अपने पास में? 7 आ जाएंगे। इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन के तौर पर कि निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे कैल्शियम का है कितना? 40 और ऊपर 20, मतलब 20 तो क्या है इसका परमाणु क्रमांक। उसके बाद में 40 क्या है इसकी द्रव्यमान संख्या, तो इसमें 20 होगा कैल्शियम के अंदर। तो कैसे लिखेंगे 20 को? 20 को अपन लिखते हैं, 20 लिखा जाएगा कैसे? तो यहाँ मैं लिखता हूँ 20 को लिखते हैं अपन 2, 8, 8 और 2। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। सोडियम में 2, 8 और 1, और ऑक्सीजन के अंदर 2 और 6। उसके बाद में क्लोरीन के अंदर कितना आ जाएगा? 2, 8 और 7। उसके बाद में सिलिकन में कितना जाएगा? 2, 8 और कितना जाएगा 4। उसके बाद में बोरोन में कितना जाएगा? 2 और 3। इस तरीके से तो यहाँ कैल्शियम में देखें 2, 8, 8, 2, सोडियम में 2, 8, 1, ऑक्सीजन में 2 और 6, क्लोरीन में 2, 8 और 7, सिलिकन में 2, 8 और 4 और बोरोन में 2 और 3। ये इस तरीके से निकालते हैं। बिंदु संरचना अपन कैसे बनाते हैं? जैसे नाइट्रोजन की 7 दे रखी है तो नाइट्रोजन का यहाँ बिंदु संरचना मैं बना देता हूँ। जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था अपन ने 1s2, 2s2, 2p3, तो पहला है ये। उसके बाद में ये मैं दूसरा और बना देता हूँ यहाँ पर, ये दूसरा बनाया मैंने, ठीक है, दूसरा बना दिया। अब इस पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ पर और दूसरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। और इस दूसरे में कितने होंगे? 1 और 2 और 3 और यहाँ लिख देता हूँ 4 और ऊपर आ जाएगा आपका 5। ये कितने हो गए टोटल? 7। इस तरीके से कुछ इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के पहले कोश में कितने हैं? 2 और उसके बाद में 5। इसी प्रकार से अपन बनाते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आप नीचे देख पा रहे हैं 2 और 6। इसी प्रकार से अपन बनाते हैं क्लोरीन का, जिसमें कितने बनाते हैं अपन? 2, 8 और 7। तो यहाँ पहले में देखिएगा, ये जो पहला है इसमें कितने हैं? इस पहले में कितने हैं? इसमें कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद में दूसरा जो है ये, इसमें कितने अपने? 8। उसके बाद में तीसरा जो ये है, इसमें कितने अपने? 7। इस तरीके से अपन इनके निकालते हैं। तो इस प्रकार से अपन इनकी बिंदु संरचना बनाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।